राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक एवं 6 भत्ते समाप्त किए जाने के विरोध में ड्यूटी के दौरान काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शित किया गया। आज जनपद में स्वास्थ्य विभाग, कलेक्ट्रेट नगर निगम, रोडवेज प्राधिकरण, शिक्षा विभाग, वन विभाग, व्यापार कर, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, खाद एवं रसद, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, विकास भवन, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शित किया। इस मौके पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि आज जब पूरे देश का कर्मचारी देश को कोरोना महामारी से मुक्त करने के लिए व कोरोना पीड़ितों का इलाज करने के लिए अपना परिवार छोड़कर रात दिन सेवा कर रहे हैं और सरकार द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक व 6 भत्ते बंद करके कर्मचारियों को हतोत्साहित किया है। उन्होंने कहा, जब सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अनियंत्रित मूल्य वृद्धि के कारण आसमान छू रही हैं, तो ऐसे समय में महंगाई भत्ते को फ्रीज करना निर्णय अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा, पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण कर्मचारी कार्य बहिष्कार न करके सांकेतिक आंदोलनों के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद समस्त कर्मचारी संगठन एक साथ रणनीति बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। इस मौके पर परिषद के कोषाध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते देश का कर्मचारी स्वयं ही आर्थिक सहयोग हेतु सरकारी खजाने में अपना एक दिन का वेतन दे रहा है एवं सरकार मनमाने तरीके से कर्मचारियों के वेतन में कटौती करके उन्हें हतोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इलाज करते करते खुद भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में वेतन कटौती का निर्णय अन्यायपूर्ण है। जनपद के समस्त तहसील एवं ब्लॉक में स्थित कार्यालयों व चिकित्सालयों में भी काला फीता बांधकर विरोध किया गया एवं ट्विटर पर भी ट्वीट किया गया एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भी मेल किया गया। इस मौके पर निश्चल भटनागर, विनोद शर्मा, शालिनी भटनागर, लीला लुगड़ा, रीना राही, डीएस नेगी, वृंदावन दोहरे, अशोक शर्मा, चंद्रभान सिंह, मनोज तिवारी, सुशील पंकज पांडे, अजीजुर रहीम, विपिन भट्ट आदि उपस्थित रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला कोषाध्यक्ष हेमंत चौधरी, आज विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपने अपने विभागों में काला फीता बांधकर राज्य सरकार द्वारा 6 भत्ते रोके जाने, समाप्त किए जाने और डीए की एरियर की किस्त रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। साथियों, कोरोना जैसी महामारी में आप देख रहे हैं प्रत्येक कर्मचारी पूरे अपने मनोयोग के साथ कार्य कर रहा है और ये भत्ते समाप्त किए जाने और डीए की किस्त रोके जाने के कारण निश्चित रूप से कर्मचारियों का मनोबल कमजोर पड़ा है। उस मनोयोग से जो है कर्मचारी अब काम करने नहीं कर पा रहा है, तो मेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही गुजारिश है कि जो ये डीए के जो फ्रीज किया गया है इसको तत्काल प्रभाव से रिलीज किया जाना चाहिए और जो 6 भत्तों पर रोक लगाई है वो भी रोक समाप्त की जानी चाहिए।